अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो गाइस आज हम बना रहे हैं मैंगो मस्तानी जो पुणे का फेमस है। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। और इतना टेस्टी, इतना स्मूदी कि पूछिए ही मत। तो चलिए गाइस इसके इंग्रेडिएंट्स हम जान लेते हैं। तो देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। सबसे पहले हम मैंगो लेंगे दो, आप चाहे तो बढ़कर भी क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो मैंने दो लिया है, इसे अच्छे से धोकर मैंने आधा घंटा पानी में रख दिया था। उसके बाद मैंने धोकर इसे अच्छे से मैं पीसेस बना लूँगी इसके। जैसे चाहे आप वैसा शेप से इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए एकदम से अच्छे से मीठे एकदम पके हुए आम थे, बेनिशान आम ली हूँ मैं तरह से। तो हम गुठलियों को अलग करते हैं और जो इसका मगज़ होता है यानी पल्प वो निकाल लेंगे हम इस तरह से कट कर कर। आप जैसे चाहें वैसे आप निकाल सकते हैं गाइस, ये ऑप्शनल है। सकते हैं गाइस इस तरह से हमें इसका सारा पल्प कट कर कर इस तरह से निकालना है, छिलकों से अलग कर लेना है। तो इस तरह से हम पूरे मैंगो पीसेस निकाल लेंगे। बहुत इजी है बनाना, इतना टेस्टी बनता है और बच्चों का तो ये फेवरेट है। और मेहमान को भी आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं, बहुत इजी है गाइस। आम को थोड़ा अच्छा मीठा लीजिए, कभी भी आप ये बनाएं तो आप मीठा लीजिए। आम अच्छे सा मीठा होना है तभी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा खुलकर, यानी इसका जो टेस्ट होता है वो एकदम डिलीशियस होता है आम मीठा होने से। तो हमने कट कर लिया है दो आम, इस तरह से पीसेस मैंने कर लिया है। तो अब इसकी इसमें से हम आधा लेंगे और आधा रख देंगे। चलिए हम सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार लेते हैं, आप चाहे तो जूसर भी ले सकते हैं। मेरे पास जूसर नहीं है तो मैंने इस तरह का जार ले लिया है। अब इसमें मैं आधे से ज़्यादा डाल दूँगी, इसके चंक्स मैं थोड़े रख दूँगी मैंगो के, बस मुझे थोड़ा ही चाहिए क्योंकि पल्प ज़्यादा होना चाहिए हमें जूस में। इसमें मैंने चीनी डाला है, चीनी ये आम बहुत मीठा है तो मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून डाला है, छोटे वाले टेबलस्पून। अब इसमें दूध अपने हिसाब से लीजिए, मैं इसमें 1 कप भर कर दूध ली हूँ। और ये है वैनिला आइसक्रीम, इसे भी मैं इसमें डालूँगी ताकि ये एकदम से चिल्ड हो। मैंने मैंगो को चिल्ड ही लिया था फ्रिज में रखकर, तो ये मैंगो डाली और दूध भी एकदम अच्छा सा पका हुआ है, मैंने अच्छा सा चिल्ड कर लिया था तभी मैं ये दूध इसमें ऐड कर रही हूँ, एकदम ठंडा वाला दूध। तो देखिए अब हम इसमें चंक्स डालेंगे जो हमने मैंगो के जो पीसेस बना कर रखे थे ग्लासेस में, फर्स्ट ये ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा वैनिला आइसक्रीम डालेंगे, मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ, आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा नट्स जाएंगे, मैं जो अच्छे से मैं स्लाइस करके रखी थी, और टूटी फ्रूटी है ये कंपलसरी जाएगा इसमें, एकदम से अच्छा सा लगता है खुशनुमा। तो ये जो मैंने हमने प्योरे बना कर रखा था यानी मैंगो शेक जो बना कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे, ऊपर से आइसक्रीम के ऊपर डाल दीजिए इस तरह से। फिर से हम इस पर थोड़े चंक्स डालेंगे, जो हमने कट कर रखा था पीसेस मैंगो के वो डालेंगे। फिर से हम इस पर वैनिला आइसक्रीम डालेंगे। तो देखिए कितना यमी, अभी से माउथ वाटरिंग लग रहा है, तो इतना टेस्टी बनकर रेडी हुआ था। और क्यों ना हो इस पर हमने आइसक्रीम डाला है तो बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो इस वजह से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट के नट्स जो हमने बना कर रखा था वो नट्स टूटी फ्रूटी डाल देंगे। तो देखिए ये बनकर रेडी हो चुका है मैंगो मस्तानी। तो गाइस कैसी लग रही है ये रेसिपी, आप ज़रूर मुझे गुड कमेंट्स कीजिए, बताइए। जो सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल पर, नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट पहुंच जाए। और प्लीज़ जिस किसी भी पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल। तो खाइए खिलाइए, अपने परिवार को खुश रखिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, बाय। थैंक यू फॉर वॉच माई चैनल।